सिलाई करते थे, नेता लोग का कपड़ा सीते थे। दो घंटा में आप नेता को तैयार कर देते? जी 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 हाँ सर। क्या बताया गया है? बताया गया कि यहाँ से हटाओ ना तो फिर तोड़ ताड़ के रख देंगे। अब क्या बताया जाए, प्रशासन के आगे तो हम लोग का चारा नहीं ना चला। हाँ फिर हटाना पड़ता, वही क्रमण आता है तो फिर हटाने ना पड़ता। अतिक्रमण आता है तो फिर हटाना पड़ता है। कहाँ जाएंगे सर? यहीं रहेंगे। यहीं रहिएगा? हाँ तो कहाँ जाएंगे? अतिक्रमण के तहत तो हटा दिया गया है। तैयो रहेंगे, ये कितना हटाओगे तैयो यहीं रहेंगे, कहाँ जाएंगे? हम लोग व्यवस्था नहीं मिलता है, इतना कहल जाता है तैयो नहीं व्यवस्था मिलता। बहुत बचपन में ही जमाने हुए हैं। बचपन से यहीं रह रहे हैं? बचपन ही है, जवान हुए यही है, रिटायर। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं जिसके कारण किया जा रहा है? ना मोदी नहीं, एगो होटल वाला के चलते ऐसे हुआ है, मीठ चंपारण होटल है ना, उसी के चलते ऐसे। क्या उसको नहीं लगावे दे रहा था उस आदमी? अच्छा, के हम लगावेंगे और करा के नहीं लगावेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका दिन टॉप पे। मेरा नाम है विशाल। अभी हम मौजूद हैं पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर, और चौराहे से जब आप दाहिने मुड़िएगा तो बीरचंद पटेल पथ आता है, जहाँ पर तमाम पार्टी कार्यालय है, जहाँ पर जेडीयू के भी ऑफिस है, राजद का भी कार्यालय है और बीजेपी का भी कॉर्नर पर कार्यालय है। ऐसे में हम आपको वो नज़ारा दिखाएंगे। देखिए, पटना में अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा राजीव नगर स्थित नेपाली नगर में किस तरीके से लगभग 60 से 70 घरों को नाश्ता नाबूद कर दिया गया है पटना पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा। ऐसे में अब देखिए, ये जो सड़क किनारे बीरचंद पटेल पथ पर अतिक्रमण था, उसको हटाने का जो है वो सिलसिला शुरू हो गया है, मुहिम शुरू कर दिया गया है पटना नगर निगम द्वारा। आपको बता दें, यहाँ पर ये जो एक लाइन से दुकान आपको पहले दिखते थे वो अब नहीं दिखेंगे, उनको प्रशासन ने हटा दिया है, नगर निगम ने हटा दिया है। क्योंकि कारण जो बताया जा रहा है कि कल प्रधानमंत्री, माफ़ कीजिएगा, 12 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी पटना पहुँच रहे हैं, और उसके पहले पहुँचने से पहले देखे पटना को पूरी तरीके से अतिक्रमण मुक्त कराना है और पूरा साफ सुथरा बनाना, स्वच्छता अभियान को लेकर के भी बातें हो रही है। इसी क्रम में देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो दो घंटा में कहा जाता नेता तैयार होते थे, यहाँ पर नेताओं के जो कपड़े हैं, ड्रेस हैं, वो सिले जाते थे, अब पूरे तरीके से उसको यहाँ से हटा दिया गया है। और क्यों हटाया गया हम जानने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे और जानेंगे कि कब हटाया गया, क्यों हटाया गया, प्रशासन ने क्या कहा। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जुबैर नाम हुआ सर। आपका क्या हटाया गया है? हाँ, गुमटी हटाया गया। गुमटी हटाया? क्या करते थे गुमटी में? सिलाई करते थे, नेता लोग का कपड़ा सीते थे। दो घंटा में आप नेता को तैयार कर देते थे? जी 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 हाँ सर। क्या बताया गया है? बताया गया कि यहाँ से हटाओ ना तो फिर तोड़ ताड़ के रख देंगे। पूछे नहीं कि यहाँ तो कितने दिन, बहुत साल से आप लोग काम कर रहे थे? हाँ, हम लोग 12 साल से काम कर 12 साल से काम कर रहे हैं। हाँ जी। अब क्या बताया जाए, प्रशासन के आगे तो हम लोग का चारा नहीं ना चलेगा। जो ऐसा हमेशा कभी न कभी होता रहता है, आज पहली बार हुआ? नहीं, होता रहता है। होता रहता है? हाँ होता रहता है। फिर आप लोग लगा देते हैं? फिर लगा देते हैं हम लोग। फिर बाद में फिर हटाना पड़ता है? हाँ फिर हटाना पड़ता है, वही क्रमण आता है तो फिर हटाने ना पड़ता। अतिक्रमण आता है तो फिर हटाना पड़ता है। 12 साल से लगातार आप लोग यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं, नेताओं के ड्रेस सिल रहे हैं, अस्थाई कोई जगह नहीं है? नहीं, कोई अस्थाई जगह नहीं, कोई अस्थाई जगह नहीं है। तो देखिए, इनका कहना है कि 12 साल से लगातार हम यहाँ पर दुकान लगाते हैं और नेताओं का जो ड्रेस है वो तैयार किया जाता है, दो घंटे में ड्रेस सिल करके तैयार हो जाता है। ऐसे में देखिए, बताया जा रहा है कि अतिक्रमण मुक्त करने के लिए यहाँ पर पूरा जो दुकान एक लाइन से उनको हटा दिया गया है। तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि अब ये लोग जो है कपड़ा यहाँ से ले करके जा रहे हैं दूसरे जगह। हम आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहेंगे, जो सिलाई करते हैं, जो दर्जी हैं, जो नेताओं के कपड़े हैं वो सिलते हैं, वो देखिए अभी भी सिल रहे हैं। और उनका जो ये दुकान है, ये जो प्लास्टिक के नीचे, सामियाना के नीचे दुकान चलाते थे, वो देखिए किस तरीके से तोड़ फोड़ दिया गया है पटना नगर निगम द्वारा। देखिए अभी भी ये कपड़ा सिल रहे हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्यों किया गया। क्या नाम हुआ आपका? उनका नाम है मोहम्मद हसनैन। ये बताइए कि आपका हटा दिया गया है पूरा, अब कहाँ जाइएगा, क्या कीजिएगा? कहाँ जाएंगे सर? यहीं रहेंगे। यहीं रहिएगा? हाँ तो कहाँ जाएंगे? अतिक्रमण के तहत तो हटा दिया गया है। तैयो रहेंगे, ये कितना हटाओगे तैयो यहीं रहेंगे, कहाँ जाएंगे? हम लोग व्यवस्था नहीं मिलता है, इतना कहल जाता है तैयो नहीं व्यवस्था मिलता है। कहाँ, कितने साल से रह रहे हैं यहाँ? बहुत बचपन में ही जमाने हुए हैं। बचपन से यहीं रह रहे हैं? हाँ, बचपन ही जमाने हुए हैं, यहीं रिटायर। पहली बार ये हटाया गया? इससे पहले बहुत पहले होता था, 8-9 साल पहले हुआ था, आज फिर ये हुआ है। कहा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं जिसके कारण किया जा रहा है? ना मोदी नहीं, एगो होटल वाला के चलते ऐसे हुआ है, मीठ चंपारण होटल है ना, उसी के चलते ऐसे हुआ है। क्या उसके कारण क्या हुआ है?
चंपारण होटल के चलते उसको नहीं लगावे दे रहा था उस आदमी। अच्छा, हम लगावेंगे और करा के नहीं लगावेंगे। चलिए, तो आपने देखा कि क्या कुछ हुआ यहाँ पर। अब ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे बचपन से ही दुकान लगाते थे, अब अचानक हटा दिया गया। देखना होगा कि क्या कुछ होता है। इनका कहना है कि फिर से हम दोबारा यहीं पर अपना जो दुकान है, जिससे कि अपना जीवन यापन करते थे, फिर से यहीं पर दुकान लगाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।